दोस्तों अमिताभ बच्चन की आप सब लोग एक फिल्म तो जरूर देखते होंगे। अगर आपके यहाँ डिश टीवी या फिर कोई भी केबल कनेक्शन लगा हुआ है तो आप सबको हर सोमवार सोनी मैक्स पर एक फिल्म जरूर आती हुई नजर आएगी हर सोमवार को। फिल्म का नाम है सूर्यवंशम। ये फिल्म हर मंडे को सोनी मैक्स पर जरूर आता है। और ये फिल्म क्यों इस सेट पर बार बार आता है ये भी आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये फिल्म इतनी टीआरपी देती है कि सोनी मैक्स हर बार हर सोमवार को इस फिल्म को अपने उस चैनल पर चलाता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि सूर्यवंशम और जल्लाद जो कि मिथुन चक्रवर्ती की 1995 में आई थी, इस फिल्म में भी मिथुन चक्रवर्ती का डबल रोल रहता है, वहीं सूर्यवंशम में भी अमिताभ बच्चन का डबल रोल रहता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बस यही बताने वाला हूँ कि इन दोनों फिल्मों में सबसे हिट फिल्म कौन सी रही थी और सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म फिलहाल कौन सी है। अगर बात करें पहले फिल्म सूर्यवंशम की, तो सूर्यवंशम 21 मई 1999 को रिलीज हुई थी और इस फिल्म का बजट था 7 करोड़ रुपए। वहीं इस फिल्म ने टोटल नेट कनेक्शन किया था 6,52,00,000 रुपए, जबकि वर्ल्ड वाइड कमाई थी 12,55,00,000 रुपए। और आपको बता दें कि फिल्म सूर्यवंशम एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी। जी हाँ, वहीं अगर फिल्म जल्लाद की बात की जाए तो जल्लाद फिल्म तो हालांकि हर मंडे या ट्यूजडे तो नहीं आती, लेकिन इस फिल्म को लोग बहुत पसंद करते हैं। इस फिल्म में की गई मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग को लोग बहुत पसंद करते हैं। साथ ही इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के निभाए गए विलन वाले किरदार के लिए इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। अगर इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो जल्लाद फिल्म का ब�उन्नीस सौ पंचानवे को रिलीज हुई थी, वहीं इस फिल्म का बजट था 3 करोड़ रुपए। अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस फिल्म ने इंडिया में 5 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो ये फिल्म 8 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई थी। मतलब इसमें फर्क ये पड़ता है कि सूर्यवंशम भले ही 7 करोड़ में बनी हो, लेकिन वो सिर्फ इंडिया में 6 करोड़ रुपए कमा पाई थी, 6.5 कह सकते हैं, 6,52,00,000। वहीं अगर जल्लाद फिल्म की बात की जाए तो जल्लाद फिल्म भले ही कम बजट में यानी कि 3 करोड़ में बनी थी, लेकिन यह फिल्म पहले इंडिया में 5 करोड़ रुपए कमा गई थी और यह फिल्म सुपरहिट भी रही। वहीं सूर्यवंशम फिल्म फ्लॉप हो गई थी, लेकिन हाँ, सूर्यवंशम बाद में इतनी पॉपुलर हुई कि वो आज भी टीवी में सोनी मैक्स पर हर सोमवार को दिखाई जाती है। फिलहाल आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं।